बोहेमियन रैप्सोडी, और इसने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। फैसल, ये मूवी हम क्यों देखें? इसलिए देखें कि इस मूवी को 5 ऑस्कर्स नॉमिनेशन है इसके पास, और 5 जो कैटेगरीज हैं उसमें बेस्ट एक्टर है, बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर है, बेस्ट साउंड एडिटिंग है, साउंड मिक्सिंग है और बेस्ट एडिटिंग है। और ये क्वीन जो बैंड था उसकी कहानी है बेसिकली, ऑफ कोर्स क्वीन बैंड उसके लीड सिंगर है, उसकी कहानी है बेसिकली। इसका ये एक दोस्ती की कहानी है, एक लॉयलिटी की कहानी है, एक फैमिली की कहानी है। तो जब आप ये, ऑफ कोर्स आपने ये फिल्म देखी होगी, क्योंकि इस फिल्म का, तो सिख भाई आपको जो आपने पूछा कि क्यों देखनी चाहिए, इस फिल्म का बजट था 50 मिलियन से 55 मिलियन। इस फिल्म ने अभी तक, ये फिल्म जो है चल रही है सिनेमाज में पूरी दुनिया में, और 853 मिलियन का बिजनेस कर चुकी है फॉर नाउ। वाओ। और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म के जो एक्टर हैं, लीड एक्टर जिनका नाम है रामी मलिक, उनका मुकाबला बहुत बड़े स्टार्स के साथ है। वो दो, एक बाफ्टा जीत चुके हैं एज अ लीड एक्टर, दूसरा वो बाफ्टा के साथ एक दूसरा बड़ा अवार्ड होता है, क्या नाम है उसका, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। आगे चलते हैं, लेकिन अभी जो नॉमिनेशन है उनकी ऑस्कर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ क्रिस्टन बेल जो है, उनका मुकाबला है क्रिस्टन बेल वाइस के लिए, और उसके साथ ब्रैडली कूपर का मुकाबला है। और रामी मलिक ने पहले जो दो अवार्ड जीते हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश भी है और मैं चाहता हूँ कि वो तीसरा अवार्ड भी जरूर जीते, जो कि ऑस्कर।